देखते हैं चैप्टर 19 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन 11 बायोलॉजी से. एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एट्सेट्रा. मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती हैं कुछ चीज़ें, या फिर उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं किस टाइप की चीज़ें, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, CO2 भी बॉडी में हो जाती है, वाटर और बहुत सारे आयंस. ठीक है, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन. अब ये किस तरह से एक्यूमुलेट होती हैं या किस तरह से बॉडी में इकट्ठी होती हैं, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके थ्रू वो होती है, या दूसरा है एक्सेस इंजेशन, ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तब ये केस होता है. These substances have to be removed totally or partially. अब ये भी जो भी चीज़ें इकट्ठी होती है ना, इस इनको निकालना होता है, या तो पूरी तरह से बॉडी से निकालो या आधा. ठीक है, इनको बॉडी में लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते. दीज आर टॉक्सिक. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बॉडी से एलिमिनेट होती हैं, बॉडी से बाहर निकलती हैं, और ज़्यादा फोकस हम किस पे रखेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं. ठीक है, उसके अंदर अमोनिया, यूरिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेड एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स. अब जो ये अमोनिया होता है, यूरिया और यूरिक एसिड होता है, ये मेजर फॉर्म है, ये वो नाइट्रोजनस वेस्टेज वेस्ट हैं जो बॉडी से निकलती हैं, एनिमल्स की बॉडी से निकलती हैं. एनिमल्स में हम भी आते हैं, जो नॉर्मली आपके जो एनिमल्स होते हैं वो भी आते हैं. अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. अब सबसे जो कहते हैं ना, जो जहरीली जो होती है, टॉक्सिक फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, अमोनिया होती है. एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है. वेर इज़ यूरिक एसिड बींग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. जहाँ पे अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बॉडी से रिमूव होने के लिए, यूरिक एसिड को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है पूरी बॉडी से निकलने के लिए, क्योंकि वो लीस्ट टॉक्सिक होती है. और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सी होती है, अमोनिया. नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज एमोनोटैलिज्म. जब हम अमोनिया को बॉडी से निकालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमोनोटैलिज्म. मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर एमोनोटैलिक इन नेचर. यानी कि ये जो फिशेज हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं जो पानी में मिलते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स हैं वो एमोनोटैलिक होते हैं. मतलब वो बॉडी से क्या निकालते हैं, अमोनिया को रिमूव करते हैं. अमोनिया एज इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन across body surfaces और थ्रू गिल सरफेसेस एज अमोनियम आयन. अब देखो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो ईजिली सॉल्यूबल भी होता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, तो वो डिफ्यूजन से, ठीक है, एक्सक्रीट होता है किससे, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसिस. यानी बॉडी सर्फेस के एक जगह से दूसरी जगह आराम से निकल जाता है, और गिल सर्फेस से, यानी कि फिश में वो अमोनियम आयन्स की तरह निकल जाता है. किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अमोनिया जो रिमूव हो रहा है, या तो वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, या फिर वो गिल सरफेस फिश के अंदर वो सरफेस के थ्रू रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे किडनी का कोई रोल नहीं है. टेरेस्ट्रियल एडप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में अमोनिया होता है, ठीक है, वो निकालते हैं अमोनिया को, और उसके लिए डिफ्यूजन या फिर सरफेस के थ्रू वो निकाल देते हैं. लेकिन उसने बोला कि जो एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो कुछ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज बनाते हैं, वो अमोनिया नहीं बनाते हैं, थोड़ा कम टॉक्सिक वेस्ट बनाते हैं, जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. क्योंकि वो इतना ज़्यादा पानी नहीं यूज़ कर सकते ना जो अमोनिया को रिमूव करने के लिए चाहिए, तो वो कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म बनाते हैं. मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेरीन फिशेज मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरोटेलिक एनिमल्स. जो आपके मैमल्स होते हैं, कई टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, और कई मरीन फिशेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिया सिक्रीट करती हैं, और उनको हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं. तो हम क्या हो गए, हम मैमल्स आ गए, हम यूरिया सिक्रीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक. ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इंटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल एंड रिलीज इंटू द ब्लड विच इज़ फिल्टर्ड एंड इज क्रिएटेड आउट बाय द किडनी. यानी कि
जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से या फिर कोई केमिकल रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है, किसके अंदर, इन एनिमल्स के लिवर के अंदर, और वो ब्लड में रिलीज हो जाता है, उसको ब्लड में छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको जब वो ब्लड में फिल्टर होता है, मतलब ब्लड में छोड़ देते हैं यूरिया को, तो ये ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, ठीक है, वो एक्सक्रीटेड आउट होता है बाय किडनी और ब्लड फिल्टर होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। कुछ यूरिया, सब कुछ एक साथ नहीं निकलता, कुछ थोड़ा सा रह जाता है किडनी मैट्रिक्स में ताकि क्या हो, डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी स्नेल्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, ये नाइट्रोजनस वेस्टेज निकालते हैं किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, या तो वो पैलेट्स की फॉर्म में निकालते हैं या फिर पेस्ट की फॉर्म में, छोटी छोटी गोली या फिर पेस्ट की फॉर्म में, जो क्या होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ताकि उनको पानी की ज़रूरत कम से कम पड़े, और इनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। तो हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी, एमनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए है, ये मैमल्स के लिए है टेरेस्ट्रियल, और ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, जिनको सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है, उनके लिए होता है यूरिकोटैलिक। सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। मतलब जब एनिमल किंगडम का सर्वे हुआ था तो उसमें कई सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला कि ये पर्टिकुलर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं विच हेल्प इन एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक किडनी। जब इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बट जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनीज, ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हेयर, कुछ इसमें से स्ट्रक्चर्स को यहाँ मेंशन कर रखा है। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटी हेलमेंथीसिस, ठीक है, क्या नाम लिखा है, प्रोटोनेफ्रीडिया लिखा है या फिर फ्लेम सेल्स लिखा है, ये जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लेटी हेलमेंथीसिस में, जैसे कि हो गए फ्लैट वर्म, ठीक है, या फिर प्लेनेरिया, इन सब के अंदर क्या होता है, क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। रोटिफर सम एनिलिडा एंड द किफेलोकॉर्डाटास एम्फियस, ये भी एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर क्या है आपके, प्रोटोनेफ्रीडिया है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है उसका फंक्शन बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, कि वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ वर्म एंड अदर एनिलिड्स। ये जो नेफ्रीडिया होता है ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है किसका, अर्थ वर्म का और बाकी एनिलिड्स का। नेफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। जो आपके नेफ्रीडिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी कि वेस्ट भी रिमूव करेंगे और आयन और फ्लूइड का बैलेंस भी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखेंगे। मेलफीगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। सबके ना अलग अलग ऑर्गन्स बताए हैं, पार्ट बताए हैं, तो जैसे नेफ्रीडिया हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल हो गया, वैसे ही बोला है कि जो ये मेलफीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के, जैसे कि कॉकरोचेस, ठीक है। मेलफीगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो ये मेलफीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रेटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। जो कुछ ग्लैंड्स भी नाम दे रखा है, एंटीनल ग्लैंड दे रखा है और ग्रीन ग्लैंड दे रखा है, ये परफॉर्म करते हैं एक्सक्रेटरी फंक्शन किसके अंदर, क्रस्टेशियंस, जैसे कि प्रॉन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये एक्सक्रेटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, क्या क्या उसके अंदर हमने पढ़ा, अमोनिया जो रिलीज करते हैं मतलब एक्सक्रेटरी फॉर्म में, यूरिया जो रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड जो रिलीज करते हैं, प्लस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रेटरी पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, उनके बारे में पढ़ा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम।
Start with the human excretory system. In humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की तो उसमें क्या क्या होता है, किडनी का पेयर मतलब दो किडनीज होती हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर यानी कि दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है, ठीक है। किडनी जो है अगर आप इसमें देखें तो वो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इनकी शेप भी क्या होती है, बीन शेप्ड होती है, जो किसके अंदर होता है, लास्ट थोरिक एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्ला क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमिन की साइड में होती है। यहाँ पे उन्होंने वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग लोकेशन दे रखी है कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर हम पीछे की साइड्स देखते हैं ना, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें बहुत सारी वर्टिब्रा होती हैं, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि लास्ट थोरिक और जो थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा होती है उसके बहुत पास होती है, ठीक है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10-12 सेंटीमीटर इन लेंथ, अगर हम देखें तो हर मतलब इंसान के अंदर जो किडनी होती है वो 10-12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और विड्थ में होती है 5-7 सेंटीमीटर, ठीक है। 2-3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120-170 ग्राम, और उनका वेट भी दे रखा है कि वो 120 से लेके 170 ग्राम तक उनका वेट होता है। टूअर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल हीलियम थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर। यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन दिखा रखा है जो बेसिकली यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट एक क्या होता है, एकदम सेंटर में इनर कॉन्केव सरफेस इधर की साइड में क्या होता है, एक नॉच होता है, एक छोटी सी जगह है जहाँ जिसको हीलियम बोलते हैं और जहाँ से क्या आपका यूरेटर ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती हैं वो सब एंटर करती हैं, ठीक है। इनर टू द हीलियम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस। अब ये उसने बोला है कि जो अगर हम हीलियम के थोड़ा सा अंदर की साइड जाएं तो वहाँ पे एक फनल शेप, फनल क्या होता है, देखा है ना आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि फनल एक थोड़ा ऊपर से खुला होता है नीचे से पतला होता है, फनल शेप स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं रेनल पेल्विस, यहाँ पे है, ठीक है। विथ प्रोजेक्शन कॉल कैलियसिस, और उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलियसिस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, यानी कि अगर किडनी के बाहर की लेयर की बात करें तो टफ सी लगती है, प्रॉपर कैप्सूल की फॉर्म में होती है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडियोला। बाहर की तरफ क्या है किडनी की, एक बड़ी सी मोटी सी कैप्सूल है, टफ कैप्सूल है। किडनी के इनसाइड दो जोन्स हैं, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडियोला, ठीक है। अब बाहर की बता दी कि कैप्सूल हो गया, इनसाइड द किडनी दो जोन्स हो गए, एक आउटर कॉर्टेक्स हो गया, एक अंदर होता है इनर मेडियोला, ठीक है। उसके बाद ये रखा है कि जो मेडियोला है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, जो मेडियोला है वो डिवाइड हुआ हुआ है कुछ मासेस में जिसको बोला है मेड्यूलरी पिरामिड्स। आप इसको पीछे देखिए आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ये जो आपका कॉनिकल मासेस हैं वो बाहर निकले हुए हैं, मतलब कैलिसिस की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, उधर की तरफ मुड़ रहे हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, जैसे उसने बता दिया कि ये रीनल पेल्विस है, ये यूरेटर है, ये वेन है, ये आर्टरी है, ये जो पोर्शन है दिस इज कैलिक्स, ठीक है। मेड्यूलरी पिरामिड्स ये हैं, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। बीच में जो स्पेस है दैट इज रीनल कॉलम, और देखो बाहर की तरफ दिखाया गया है कि जो एक तो वो टफ कैप्सूल होती है दैट इज रीनल कैप्सूल, बिल्कुल बाउंड्री पे देखिए। उसके बाद लिखा है कॉर्टेक्स जो इसके बीच का स्पेस है, तो ये पूरा एक्सप्लेन उसने बहुत अच्छे से किया। अगर आप पीछे वाले डिस्क्रिप्शन को इस डायग्राम के साथ पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हर किडनी में हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, उसने बोला कि हर किडनी में क्या होते हैं, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, विच आर द फंक्शनल यूनिट, और यही नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, और हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस, एक तो होता है ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, दूसरा क्या है रीनल ट्यूब्यूल। तो हर किडनी के अंदर पहली बात तो बहुत ज़्यादा 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट होते हैं जिसमें एक ग्लोमेरुलस है दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। ये जो ग्लोमेरुलस है ना ये क्या है, उसमें बहुत सारी कैपिलरी से बना हुआ है गुच्छा जैसा जो एफरेंट आर्टियोल से बना है, यानी कि आपके इधर अगर आप डायग्राम में देखें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ग्लोमेरुलस है ये कैसा बना है, एफरेंट आर्टियोल से बना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, ये ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द एफरेंट आर्टियोल। देखो ए वाला यानी इससे तो आया, और उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ से निकल जाएगा,
एफरेंट से, ई वाले एफरेंट से, ठीक है। तो ये पूरा उसने एक्सप्लेन किया कि ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। जो आपका रीनल ट्यूब्यूल होता है वो बिगिन करता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो स्ट्रक्चर है डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर जिसको बोला है बोमन्स कैप्सूल, विच एनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। और इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर की साइड ही आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ से निकल रहा है ई वाले से, ग्लोमेरुलस अंदर है, बाहर बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल द मेल्फिगियन बॉडी और रीनर कॉर्पस्कल। यानी कि अगर मैं दोनों को साथ में लेके चलूँ, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, मेल्फिगियन बॉडी बोल सकती हूँ या फिर रीनल कॉर्पस्कल बोल सकती हूँ, ठीक है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल नेटवर्क। अब ये जो ट्यूब्यूल है ये आगे बहुत ही हाईली क्वाइल नेटवर्क बनाता रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये देखो, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसने क्या बनाया, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बनाया, ये जो आगे की साइड बन रहा है, आगे की तरफ आपका ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अ हेयर पिन शेप्ड हेनल लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये जो पोर्शन है, ये वाला येल्लो वाला, ठीक है, एक तो है डिसेंडिंग जो नीचे जा रहा है, और एक है जो ऊपर जा रहा है, ये एक हेयर पिन जैसा होगा, जैसे लड़कियों की पिन होती है ना जो बालों में लगती है, जैसे कि वो इधर से अगर बालों में लगाती हैं, तो ये जो शेप है ये हेयर पिन लूप जैसी है। तो हैनल्स लूप को बोला है हेयर पिन शेप्ड हैनल्स लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ द डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिंब। अब आप राइट पेज पर जो लिखा है ना उसको रीड करते रहिए, ताकि आपको समझ में आता रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इसको अगर हम डायग्राम के साथ मैं पढ़ाऊंगी ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ ये आपका क्या हो गया, हैनल्स लूप हो गया, और इसको क्या बोला, एक हेयर शेप स्ट्रक्चर है जिसमें एक असेंडिंग और डिसेंडिंग है। असेंडिंग मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है। असेंडिंग एक तो डिसेंडिंग लूप हो गया, जो असेंडिंग लूप है वो आगे कंटिन्यू रहता है, और उसको किस में कन्वर्ट होता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये जो आपका क्या लिखा है, DCT, द DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन टू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल कलेक्टिंग डक्ट। अब जो जो DCT है कई नेफ्रॉन्स का, वो किस में एंटर करता है, एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसमें एंटर करता है। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इन टू द रेनल पेल्विस थ्रू मेडियोलरी पिरामिड्स इन द कैरिक्स। अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो मेडियोलरी पिरामिड जिनके बारे में लिखा है, वहाँ पे जाके ये ओपन होते हैं, ठीक है। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट पेज, वहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नाउ द मेल्फिगियन कॉर्पस्कल PCT एंड DCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और जो आपका है DCT दैट इज डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। यानी वो कहाँ पे है, कॉर्टेक्स के पास, उस कॉर्टिकल रीजन में है, वेयर इज द लूप ऑफ हैनल डिप्स इन टू द मिडियोला। मैं इसको भी आपको वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए। वो कह रहा है कि जो PCT और DCT है वो इस रीजन में है, और जो हैनल्स लूप है वो इनमें डिप है। आप समझ रहे हैं, वो ऊपर वाला पोर्शन इधर है और हैनल्स लूप इस पोर्शन में डिप्ड है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के अंदर जो लूप ऑफ हैनल है वो बहुत छोटा है, ठीक है। हैनल्स लूप बहुत छोटा होता है और वो बहुत थोड़ा ही मेडियोला के अंदर तक जाता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जिन मतलब कि जिसके अंदर हैनल्स लूप बहुत छोटा होता है और मेडियोलरी पिरामिड के अंदर पूरी तरह डिप नहीं होता, ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हैनल इज़ वेरी लॉन्ग। अब कुछ के अंदर क्या होता है, जो ये लूप ऑफ हैनल है ये काफ़ी डीप तक चला जाता है मेडियोला के अंदर। दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडियोलरी नेफ्रॉन। अगर आप इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, तो जैसे कुछ नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, जिसमें हैनल्स लूप सिर्फ इतना बीच तक ही जाता है, ठीक है, बाहर अगर बाकी चीज़ें हैं इधर तक ही जाता है, तो वो क्या हो गया, आपका नॉर्मल नेफ्रॉन हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया। लेकिन कुछ के अंदर वो हैनल्स लूप बहुत डीप तक चला जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। द एफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। जो एफरेंट आर्टियोल मैंने दिखाया भी था पहले पेज पे, जो बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है ग्लोमेरुलस से, वो एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। वो पतला पतला नेटवर्क बनाता है रीनल ट्यूब्यूल के आसपास, जिसको हम बोलते हैं पर्टिबुलर कैपिलरीज, ठीक है। वो कैपिलरीज का नेटवर्क मतलब चेन जैसा। माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हैनल लूप फॉर्मिंग अ यू शेप वासा रेक्टा। ये इसकी बात कर रहा है कि एक और एक पतली सी कैपिलरी है ये इसके
एकदम पैरेलली रन करती है. किसके पैरेलली रन करती है? आपके हैनल्स लूप के पैरेलली रन करती है. माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हैनल्स लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा. इसने ये वासा रेक्टा बना लिया है. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ये जो वासा रेक्टा होता है ना, ये बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है. किसके अंदर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर. हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन पढ़ा था जिसके अंदर जो हैनल्स लूप है वो पूरी तरह से डिप नहीं होता. किसके अंदर? मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर आधा तक ही डिप होता है, आधा तक, आधा ही इंसर्ट होता है. ठीक है, तो ये था पार्ट वन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 11th बायोलॉजी का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. 11th बायोलॉजी और 12th बायोलॉजी के और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे 11th बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, और इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.